हेलो गाइज, मेरा नाम है शुभम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे फिर से MIUI 12.5 इंडियन स्टेबल अपडेट को लेकर, क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ निकल के आई है। क्योंकि Xiaomi की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें किन किन यूजर को MIUI 12.5 का अपडेट देखने को मिलेगा, जैसे कि Redmi Note 8 Pro, Redmi K20 Pro और बाकी 100 डिवाइस है, उनकी एक ऑफिशियल लिस्ट जारी की गई है Xiaomi की तरफ से। और यहाँ पे काफ़ी लोगों को मुझे DM आ रहे थे कि जो 13 तारीख को लॉन्च इवेंट था, जो आपने बताया था MIUI 12.5 और Redmi Note 10s, उस इवेंट के अंदर आखिर में हुआ क्या, क्या बताया Xiaomi ने, तो सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने उस दिन वीडियो क्यों नहीं बनाई, तो सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करते रहेगा। मैं बताऊंगा आपको MIUI 12.5 की सभी इंफॉर्मेशन जो कि निकल के आई है, बहुत लेटेस्ट और आपके लिए बहुत बढ़िया गुड न्यूज है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करते रहेगा। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, साथ साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लो, और वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, 200 लाइक का डर रखता हूं। तो उम्मीद करते हैं फटाफट से कंप्लीट कर देंगे। और MIUI 12.5 का सीजन चल रहा है यार, किसी भी डिवाइस के लिए कभी भी अपडेट आ सकता है, सभी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर देखने को मिल जाती है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना, और जब भी कोई अपडेट आता है सभी फीचर्स वाली वीडियो भी उसकी देखने को मिल जाती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं लॉन्च इवेंट की बात कर लूंगा, उसके बाद उसकी लिस्ट की बात करूंगा। उस लॉन्च इवेंट में क्या हुआ जो 13 तारीख को था, जिसमें सबसे पहले वहां पर Redmi Note 10s लॉन्च कर दिया गया इंडिया के अंदर, यह आपको मैं बता दूं। और उसके अंदर MIUI 12.5 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, जैसे कि MIUI 12.5 फास्टर एंड क्लीनर और बहुत सारे फीचर्स के बारे में उन्होंने जिक्र किया। सबसे पहले वहां पर रोड मैप को कोई भी नहीं शेयर किया गया, लेकिन उसके अगले दिन एक लिस्ट आउट हुई है, वो आपके मैं बताऊंगा, उस लॉन्च इवेंट में नहीं की गई। तो ये देखते हैं MIUI 12.5 फास्टर एंड क्लीनर और बहुत सारे यहाँ फीचर के बारे में बताया गया। ठीक है, तो फीचर के बारे में तो ऑलरेडी पता है, लेकिन एक फीचर बताया गया था क्लीनेस्ट MIUI एवर। इसको मेरे को एक्सप्लेन करना बनता है कि काफी लोग मुझे पूछ रहे थे कि Redmi Note 10 Pro में आया है तो उसमें हम अनइंस्टॉल क्यों नहीं कर सकते। तो Xiaomi ने इस इवेंट के अंदर ये भी बताया कि हम और भी जो MIUI 12.5 के अपकमिंग अपडेट आएंगे तो ये फीचर हमको प्रोवाइड कर देंगे। वैसे फीचर अभी Redmi Note 10 Pro में MIUI 12.5 आया, फीचर भी देखने को मिलता है, लेकिन अभी के लिए आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। जैसे कि बता रहा है कि MIUI 12.5 में आप 9 ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है, बाकी को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी UI से कंपेयर करके बताया कि इसमें बहुत 10 एप्लीकेशन देखने को मिलती है, iOS में 12 देखने को मिलती है। तो ऐसे कंपेयर करके बताया, आपने बहुत सारे यहाँ पे खूबियाँ बताई MIUI 12.5 की, तो यही कुछ बताया। रोड मैप को यहाँ पे शेयर नहीं किया गया और यहाँ पे बताया गया कितना इंप्रूव किया गया MIUI 12 से MIUI 12.5 के। तो यही कुछ वहाँ पे जो 13 तारीख का लॉन्च इवेंट था वो शेयर किया गया। इसमें रोड मैप को नहीं शेयर किया गया कि किन किन को डिवाइस को कब तक देखने को मिलेगा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरी बात लगी। सबसे पहले रोड मैप को शेयर करना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात। तो कोई रोड मैप तो नहीं शेयर किया गया, बल्कि एक लिस्ट यहाँ पे शेयर की गई Xiaomi की तरफ से अगले दिन। शुक्र ये तो कम से कम शेयर किया, लेकिन इसकी भी कोई उम्मीद नहीं थी। ये लिस्ट वो है जिन लोगों ने एक महीने पहले फॉर्म भरा था, उनमें से जो यूजर सेलेक्ट हुए हैं उनके MI अकाउंट यहाँ पे दिए गए हैं कि इनको सबसे पहले हम MIUI 12.5 देंगे। और जिनको जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा उनका क्या होगा वो भी बताता हूँ। सबसे पहले जिन इसकी लिस्ट, दोनों की लिस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी गई है, अगर अपना आपने फॉर्म भरा था आप चेक करना चाहते हैं कि हमें MIUI 12.5 देखने को मिलेगा कि नहीं देखने मिलेगा, तो इन सभी की मैंने लिस्ट यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी, यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और कैसे चेक करना है वो बताता हूँ। देखते हैं Redmi सीरीज और MI सीरीज, सबसे पहले ये, तो यहाँ पे सभी के MI अकाउंट दिए हुए हैं कि किन किन यूजर्स को MIUI 12.5 देखने को मिलेगा, और यहाँ पे डिवाइस के नाम भी लिखे हुए हैं, Redmi 8 Dual, Redmi 9, ये सभी के यहाँ पे मतलब लिस्ट आउट कर दी गई है जिन लोगों ने फॉर्म करे थे, एक साथ ही कर दिए, सर पोको डिवाइसेस के नहीं किए गए। Redmi Note 8, Redmi Note 10 Pro, Redmi 9, Redmi 9 Power, Redmi 9, Redmi 8 Dual, Redmi 8, Redmi 8, ये सारे आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। इन डिवाइसों के लिए जिन लोगों ने फॉर्म भरा था मी पहले टेस्टर का, उनको MIUI 12.5 सबसे पहले देखने को मिलेगा अगर आप सिलेक्ट हुए हैं। देखते हैं यहाँ पे सारे MI अकाउंट दिए हुए हैं Xiaomi ने जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे, जो अपने MI अकाउंट फॉर्म फिल करते वक्त बताए थे उनको। ठीक है, तो अगर आप इन डिवाइस में सिलेक्ट हुए तो आपको सबसे पहले MIUI 12.5 टेस्टिंग के लिए दिया जाएगा, आप टेस्ट कर सकते हो, जैसे कि Redmi Note 10 Pro में मुझे मिला था। अब देखते हैं यहाँ पे आपको चेक कैसे करना है। जैसे ही लिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका MI अकाउंट सर्च करना है। MI अकाउंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपका जो यहाँ पे MI अकाउंट पे क्लिक करेंगे, MI अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस पे जाएंगे, इस पे जाने के बाद यहाँ पे आपकी MI ID होगी, तो इस पे आपको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है और अपना MI अकाउंट यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सर्च पे करता हूँ तो नो आइटम मैच, तो ये अकाउंट नहीं है फिलहाल के लिए, मैंने इससे कोई फॉर्म नहीं भरा था।
तो ठीक है, इस प्रकार से आपको चेक करना अगर आपने फॉर्म फिलअप किया था इन डिवाइसों के लिए, Redmi Note 10, Redmi Note 8, बहुत सारे यूजर ने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया होगा। तो अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है और आपका MI अकाउंट इसके अंदर आया है तो सबसे पहले आपको MIUI 12.5 देखने को मिलेगा। और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा उनका क्या होगा, तो सिंपल सी बात है उनको थोड़ा लेट अपडेट देखने को मिलेगा। तो ये फुल फाइनल स्टेज है, जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था उन्हीं के बाद तो आपको देखने को मिलेगा, मतलब इंडिया का फाइनल स्टेज है। मतलब कि आपको पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ आपको जब पता लगेगा। जैसे कि आपको पता है चाइना की बात नहीं कर रहा, ना ही ग्लोबल की बात कर रहा हूँ, नहीं बात कर रहा इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया के अंदर सबसे पहले कोई अपडेट आता है, सबसे पहले जब जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनको अपडेट देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। अगर इसमें कोई सस्पेंड नहीं होता कोई अपडेट, जिन लोगों ने फॉर्म भरा उनको अपडेट मिल गया, उसके एक या दो वीक बाद आपको अपडेट देखने को मिलेगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। जैसे कोई अपडेट आता है जिन लोगों ने फॉर्म भरे उनके लिए रोल आउट होएगा, फिर जैसे पब्लिक रोल आउट होएगा तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फाइनली यहाँ पे फुल फाइनल स्टेज पे आ चुका है, मतलब इंडिया के अंदर, ग्लोबल के अंदर चाइना के अंदर तो हो ही रहा है लेकिन इंडिया के अंदर मतलब Xiaomi की तरफ से लिस्ट आउट कर देगी है जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे उनको MIUI 12.5 बहुत जल्दी देने वाली है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। तो आई होप आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।